तो मैं प्रियंका तिवारी एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल देसी फार्मिंग में। आज हम बात करेंगे बेल की। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक बेल का जो पेड़ है वो लगा हुआ है, वृक्ष लगा हुआ है, और ये काफ़ी पुराना है। जब यहाँ नए नए शिफ्ट हुए थे ना, हम जब ये घर बनना शुरू हुआ था तो उसी समय हमारे दादाजी ने इस पौधे को लगाया था, और आज ये काफ़ी बड़ा हो गया है और पिछले 2 या 3 सालों से ये फल दे रहा है। आइए आज हम जानते हैं बेल के बारे में, बेल की पौध कैसे लगाए, कितने दिन लगते हैं इसको तैयार होने में। जैसा कि आप जानते हैं इसका पौराणिक दृष्टि से भी बहुत महत्व है। बेल भगवान शंकर को अति प्रिय है और उनको चढ़ता है, इसकी पत्तियां चढ़ती हैं, इसका फल चढ़ता है। इसके साथ में ही हमारे लिए भी बहुत महत्व है इसका। आप जैसा कि जानते हैं कि गर्मी के सीज़न में जो बेल है वो फल देना शुरू करता है। इसका जो फल होता है वो कई बीमारियों को ठीक करने में यूज़ होता है, स्पेशली जो पेट दर्द वगैरह की परेशानी जिनको होती है या गर्मी से संबंधित जो समस्याएं होती हैं उनके निराकरण के लिए इस बेल का उपयोग किया जाता है। इसके बेल का शरबत भी आता है, इसके जूसेस आते हैं, और नहीं है तो आप घर पे डायरेक्ट इसका फल यदि लगा हुआ है तो वो आप खा सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं काफ़ी बड़े बड़े फल लगे हुए हैं इसमें। कुछ तो हैं जो कि पक भी गए हैं, जो पीले पीले दिखाई दे रहे हैं आपको, ये सारे के सारे पक चुके हैं। आज इनको तोड़ने की बारी थी तो तोड़ने के पहले हमने सोचा कि इसका पहले एक वीडियो क्लिक कर लेते हैं, इसके बाद में इन फलों को तोड़ेंगे हम। तो ये जो बेल है ये 6 साल करीबन पुराना है, 6 साल हो चुके हैं इस वृक्ष को लगे हुए। शुरुआत में इनकी जो रफ्तार होती है ना बढ़ने की वो बहुत ही कम होती है, और बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है बेल का जो पौधा आप लगाते हैं उसके सर्वाइव करने की। पहला तो ये लगता ही नहीं है, ठीक है। यदि आप प्रॉपर प्रिकॉशन, यदि आप तरीके से इसकी देखभाल नहीं करोगे, जो मैन्योर होता है, जो खाद होती है, जो इंसेक्टिसाइड वगैरह डलते हैं, यदि आप उनका प्रॉपर तरीके से ध्यान नहीं रखेंगे तो बेल का पौधा जो है वो शुरुआत में ही मतलब लगेगा ही नहीं। तो इसलिए ज़रूरी है कि जब भी आप बेल का पौधा लगाएं तो स्टार्टिंग में जब तक वो जड़ नहीं पकड़ लेता अच्छे से तब तक प्रॉपर अटेंशन। इसकी जो कलम है, कलम भी लगती है। कलम जैसा कि हम जानते हैं बाकी के पौधों में भी, चाहे आप गुलाब का पौधा लगाएं, चाहे आप दूसरे और जो हमारे पौधे हैं उनको लगाएं, कलमें जैसी बाकी पौधों में लगती हैं बिल्कुल सेम उसी प्रकार जो हमारा बेल का पौधा है वो भी वैसे ही लगता है, उसकी भी कलम वैसे ही लगाई जाती है। बस थोड़ा सा प्रिकॉशन है जो आपको ध्यान दे रहे हैं। बेल की यदि आप खेती करना चाहते हैं तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि बड़े होने के बाद, एक बार बेल का पौधा लगने के बाद फिर समस्याएं नहीं आती हैं, ये आपको परमानेंटली पर फ्रूट देता है। तो अगले वीडियो में हम लेकर के आएंगे कि कौन कौन से रोग हैं जो बेल के पौधे में होते हैं, कौन से मतलब किस प्रकार के संक्रमण होते हैं, किस तरह रख रखाव करना चाहिए बेल के पौधे का। लेकिन ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, हमने छोटे छोटे पौधे भी लगाए हैं अपने खेत में, तो वो आपको मैं दिखाऊंगी कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप इनकी केयर करना है, देख रेख करना है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।